हेलो दोस्तों, आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही। खासकर जितने भी एयरटेल यूजर हैं उन सबको 5G अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलने वाला है एयरटेल के साइट से। आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर टॉपिक बात होने वाली है। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जियो के साइट से हम लोग को 5G अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। जब से जियो लॉन्च हुआ तब से ही दे रहा है, लेकिन एयरटेल अभी तक नहीं दे रहा था। उन लोगों का ये कहना था, जो भी उन लोग का 4G रेगुलर प्लान था उसी से उन लोग का 5G चला, जिसको जैसे उन लोग को बहुत सारे एड ऑन कराने पड़ते थे। लेकिन अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि आप लोग को भी 5G अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलेगा एयरटेल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी लोग को बतलाने वाला हूँ कि आप लोग को कम से कम कितने रिचार्ज पर आप लोग को एयरटेल का 5G डेटा देखने को मिलेगा और मैक्सिमम रिचार्ज कितने का हो सकता है जिस पर आप लोग 5G आराम से चला सकते हैं। इसके अलावा भी आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेक श्योर वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग वीडियो को अपने शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग को एयरटेल ऐप में आ जाना है। हम लोग बेसिकली अपने एयरटेल के ऐप में आ चुके हैं। एयरटेल के ऐप के आने के बाद हम लोग को अकाउंट सेक्शन में मैनेज में चले जाना है। मैनेज में जाएंगे, थोड़ा सा पेज रीलोड होगा, मतलब पेज को रीलोड अच्छे से हो जाने दीजिएगा। फिर नीचे आप लोग जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को 5G अनलिमिटेड डेटा क्लेम का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं का बना था, उसके ऊपर हम लोग टैप किए। टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मात्र 0 रुपये में आप लोग को अनलिमिटेड 5G डेटा मिल रहा है एयरटेल का। क्लेम नाउ करते हैं। क्लेम नाउ के बाद आप लोग इंटर हो जाएंगे, थोड़ा सा पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखाएगा। फिर सक्सेसफुल होने के बाद चेक योर 5G रिगार्डिंग लिस्ट पे हम लोग को टैप करना है। जैसे इसके ऊपर आप लोग टैप करते हैं तो आप लोग का डिवाइस को चेक करेगा कि कंपेटेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले आपका चेक करेगा डिवाइस कंपेटेबल, मतलब 5G सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर देखेगा कि आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे है कि नहीं है। फिर आप लोग को बोल देगा ग्रेट न्यूज, आप 5G अनलिमिटेड चलाने के लिए रेडी है एयरटेल। ये तो बात हो गई कि हम लोग 5G अनलिमिटेड डेटा कैसे ले सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग का भर भर के कमेंट आने वाला है कि हम लोग को कौन सा रिचार्ज कराना है। तो इसके लिए बेसिकली मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि आप लोग को कौन सा रिचार्ज कराएंगे जिसमें आप लोग को 5G अनलिमिटेड देखने को मिलेगा एयरटेल 5G प्लस का। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेबसाइट। आप सभी लोग अपने एयरटेल के ऐप में भी जा सकते हैं। मैं आप लोग को अच्छे से क्लियर से समझाने के लिए हम लोग अपने एयरटेल के वेबसाइट पर आ चुके थे। यहाँ पर आप लोग आते ही रिचार्ज सेक्शन में आएंगे तो आप लोग को ट्रूली अनलिमिटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग को 3359 में सबसे हाईएस्ट का ये प्लान है। 3359 में 2.5 GB 365 दिन के लिए आप लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं पे हम लोग चलते हैं तो इसके नीचे ये सारे जितने 2299 के प्लान, 1799 के प्लान, इन सब में आप लोग को 5G डेटा देखने को मिलता है। 99 के प्लान, 839 के प्लान में आप लोग को 5G देखने को मिलता है। आप लोग यहीं पर चेक कर लेते हैं कि मिनिमम कौन सा प्लान है। तो यहाँ पर आप लोग देखते 519 जो सबसे पॉपुलर प्लान है 1.5 GB का, जो हम लोग का 60 दिन का रहता है, इस पर भी हम लोग को 5G अनलिमिटेड डेटा देखने को मिल रहा है। एडिशनल बेनिफिट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 455 में भी, 399 के भी प्लान में, 359 के प्लान में, 319 के प्लान में, 299 के प्लान में, 296 के प्लान में और 265 के भी प्लान में गाइस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि हम लोग का जियो का है सबसे बेसिक प्लान 239 के प्लान में भी आप लोग को 5G अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है। जिस तरह हम लोग को जियो में हम लोग को 239 सबसे बेसिक प्लान है जहाँ पर आप लोग को अनलिमिटेड 5G डेटा देखने को मिलता है, उसी तरह आप लोग को सेम एयरटेल में भी आप लोग को 239 में भी अनलिमिटेड 5G डेटा देखने को मिल रहा है। जो भी चैनल फर्स्ट टाइम आ रहा हो मिक्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। और किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी रह जाता है इसके बावजूद भी तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं।